बाबर आजम की जहां तक आपने बात की तो 15 इनिंग्स बाबर आजम की हो चुकी हैं और 2 साल से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कोई 50 नहीं किया। बाबर आजम अब तक इस सीरीज में कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल सके हैं और दबाव में हैं और उनके लिए ये जो सेकेंड इनिंग है इस टेस्ट मैच की आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर आज भी वो रन नहीं कर सके तो फिर उनके लिए जो है वो टेस्ट टीम में रहना आसान नहीं हो। मेरा तो दिल यही कहता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करेगी, बांग्लादेश को शिकस्त देगी, क्योंकि इस टेस्ट मैच में अगर कल बारिश ना हुई और पांचवें दिन खेल हुआ तो इस टेस्ट मैच में आखिरी दिन बैटिंग करना पिच के ऊपर आसान नहीं होगा। लोग बात कर रहे हैं कि अबरार जो है वो विकेट नहीं ले सके, मेरा ख्याल है कि इस टेस्ट मैच में सेकेंड इनिंग में अबरार का किरदार जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है सैयद यहया हुसैनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहया साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स जो है शुरू हो चुकी है, कौमी टीम को मजमूई तौर पर 21 रन की बढ़तरी हासिल है, लेकिन 3 ओवर्स में 2 खिलाड़ी आउट हो गए, अगर विकेट रिएक्ट कर रही है तो हमारे बैटर्स को क्या हुआ है, क्यों 2 विकेटें गवा बैठे? सबसे पहले तो शहरवान आपको और अजीम आपको अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के 4th दिन का खेल शुरू हो चुका है और बड़ा पॉजिटिव स्टार्ट है पाकिस्तान का और इस वक्त 33 रन हैं, 2 खिलाड़ी आउट हैं और 5 चौके अब तक के खेल में शान मसूद और साय मयूब लगाने में कामयाब रहे हैं और वाजह तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि इनका इंटेंट यही है कि एक अच्छे अंदाज में पाकिस्तान की इनिंग को बिल्ड किया जाए। और जहां तक रहा आपका सवाल कि पाकिस्तान की टीम 26 पर 6 आउट करने के बाद बांग्लादेश को 262 रन कराने में कामयाब हो गई और फिर हमारे 2 खिलाड़ी जो है वो जल्दी आउट हो गए कल। बात दरअसल ये है कि आप एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के साथ मैदान में उतरे और ये जो हमारे शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को मैच में हमने शामिल नहीं किया, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली और मीर हमदा, इन 3 बॉलर्स की अगर हम बात करते हैं तो इनके क्रेडिट पर 10 टेस्ट मैच इस टेस्ट मैच से पहले और इन 10 टेस्ट मैचों में इन्होंने मजमूई तौर पर 22 विकेटें हासिल कर रखी थी और उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ कल पहले सेशन में जिस तरह की बॉलिंग खुर्रम शहजाद और मीर हमजा ने की और उनकी बैटिंग को उन्होंने उधेड़ कर रख दिया, 26 रन पर 6 खिलाड़ी आउट थे 11.3 ओवर में, लेकिन फिर लुटन दास और मेहदी हसन मिराज ने 165 रन की 7वीं विकेट पर शराकत करके अपनी टीम को एक दलदल में गिरने से बचाया। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो नाकाम हो गई, पाकिस्तान 26 पर 6 आउट करके बांग्लादेश को 262 रन तक पहुंचा दिया। बात दरअसल ये है कि हमारे पास जो बॉलर है उनके पास तजुर्बे की कमी है, उन्होंने बांग्लादेश को 26 पे 6 का नुकसान तो पहुंचा दिया लेकिन उसके बाद वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सके, तो थोड़ा सा आपको मौका देना चाहिए, नए बॉलर हैं, करियर इनका स्टार्ट हुआ है तो आप इनसे इतनी हाई एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और वो खिलाड़ी जो 10-10 साल से 5-5 साल से टीम का हिस्सा है उनकी परफॉर्मेंस है नहीं, आप उनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे तो ये थोड़ा सा नाइंसाफी है। ठीक है या ये बताइएगा कि प्लेइंग 11 से मुतमईन आप सेकंड टेस्ट में तब्दीलियां जो की गई? अजीम बात दरअसल ये है कि शाहीन आफरीदी को आपको इस सीरीज में खिलाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जिस भोंडे अंदाज में आपने उनको सेकंड टेस्ट मैच में टीम में शामिल नहीं किया वो आपकी जगहंसाई का सबब बना। नसीम शाह उनको आपने बिल्कुल 11th आर पर जो है वो आराम करा दिया, तो अब एक खिलाड़ी जो जुलाई 2023 के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापस आ रहा है, एक टेस्ट मैच के बाद आप उसको आराम करा रहे हैं, तो वाज़े तौर पर ये बात का पैगाम है कि वो फिटनेस में मसाइल का शिकार हैं। जहां तक आप बात कर रहे हैं प्लेइंग 11 के मुतमईन होने की, तो बात दरअसल ये है कि हमारी टीम में अगर हम नौजवान खिलाड़ियों के साथ बांग्लादेश के खिलाफ की होम सीरीज खेलते तो अच्छा लगता, लेकिन फिर वही धाक के 3 पात के हमने वही किया, हम उन्हीं ट्राई एंड टेस्टेड खिलाड़ियों के साथ जो नाकाम थे उनके साथ खेले, बांग्लादेश ने आपको पहला टेस्ट मैच हरा दिया, चले ताजा हवा का झोंका ही कह सकते हैं कि आपने सेकेंड टेस्ट मैच में अबरार को मीडिया के दबाव पर टीम का हिस्सा बनाया, मीर हमजा को आपने मौका दिया, दैट्स गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, अभी क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं मैच की सिचुएशन को, क्या लग रहा है अभी दूसरा मैच जीतेंगे आराम से हम? देखिए अजी, बात दरअसल ये है कि अब सूरत हाल ये है कि वो जो ट्रेन का ट्रैक होता है ना उस पे दोनों ट्रेनें आमने सामने आ जाती हैं जी। इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों का यही हाल, एक बात तो तय है कि हादसा तो होगा, अब इस हादसे में जीत और नाकामी ये 2 चीजें सामने उभर कर आएंगी। जब एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें आ जाती हैं और फिर तसादुम होता है तो ज्यादा नुकसान जो है उसका होता है जो थोड़ा स्लो आ रहा होता है, तो आप देखना ये है कि यहाँ पर हमारी टीम कितना तेज आती है। फिलहाल तो आज 4th दिन हम बड़े जारहाना अंदाज में जो है वो खेल की शुरुआत की है
और रन बनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस टेस्ट मैच में हमारी बका, हमारी जीत, हमारा इस टेस्ट मैच में रहना, स्कोर बोर्ड का मूव होने में ही जो है वो मुनहसर है। तो अब तक तो हम अच्छा खेले। या निसायम अयूब 6 रन पर क्रीज पर मौजूद है, गालिबन अब बाबर आजम ही आएंगे बैटिंग के लिए, तो क्या लगता है कि बाबर अब यहाँ पर कोई प्ले कर सकेंगे, कोई रिकॉर्ड बना सकेंगे जैसे पहले बनाते रहे? देखिए शहरबानो, बात दरअसल ये है कि टीम के कप्तान शान मसूद हो गए, सायम अयूब हो गए, बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, या सऊद शकील जो कि इस टीम के नायब कैप्टन हैं, सलमान अली आगा हो गए। बात दरअसल ये है कि हमारी क्रिकेट में एक चीज जो है वो ये देखी जाती है कि जी आज इसने 100 कर दिए, आज इसने 5 आउट कर दिए, आज इसने 50 कर दिए, तो जी ये ठीक है, बस ये टीम में जरूरत है। ऐसा नहीं होता। आप इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, तो वो देखते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस रही है हमारी टीम के। यहाँ पर कुछ मामला डिफरेंट है। बाबर आजम की जहां तक आपने बात की, तो 15 इनिंग्स बाबर आजम की हो चुकी हैं और 2 साल से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कोई 50 नहीं किया। अब उनके हवाले से भी जो है वो आवाजें बुलंद होने लगी हैं, और वो अलग बात है कि जब वो बैटिंग करने के लिए आते हैं फिल्डर स्टेडियम में तो लोग उनके नारे लगाते हैं, लेकिन अब ये नारे भी लगने लगे हैं कि बाबर आजम कोई भी बड़ी इनिंग्स खेलते हुए नाकामी दिखाई दे रहे हैं बाबर आजम। जी बिल्कुल, बाबर आजम अब तक इस सीरीज में कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल सके हैं और दबाव में है, और उनके लिए ये जो सेकेंड इनिंग है इस टेस्ट मैच की, आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर आज भी वो रन नहीं कर सके तो फिर उनके लिए जो है वो टेस्ट टीम में रहना आसान नहीं होगा। तो या क्या कोई इतलात है क्यों दबाव में है बाबर आजम? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है अजीम, जिस तरह अभी मैं बात कर रहा था कि बाबर आजम पाकिस्तान के एक अच्छे बैट्समैन है, एक्स टेस्ट कैप्टन है, बट आप परफॉर्मेंस के साथ ही टीम में अपनी जगह बना सकते हैं। वो आपने सुना होगा ना कि क्लास परमानेंट फॉर्म टेम्पररी, तो फिलहाल तो बाबर आजम की जो फॉर्म है वो कहीं ठोस ही गई है, वो स्ट्रगल करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और यही हाल अब्दुल्ला शफीक के साथ भी रहा, जो कि इस टेस्ट सीरीज के 2 टेस्ट मैचों में 4 इनिंग में 2-0 के साथ सिर्फ 40 रन स्कोर करने में कामयाब रहे हैं। बाबर आजम एक बड़ी इनिंग की तलाश में सरगर्दा हैं, और आज न सिर्फ इस बैटिंग की उनको खुद जरूरत है बल्कि पाकिस्तान टीम को भी आज उनसे एक अच्छी इनिंग की जरूरत है। उनके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात है, माजी में भी वो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा करते रहे हैं, तो आज देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि वो ऐसा करें कि इतना अच्छा परफॉर्म करें, कोई रिकॉर्ड बनाएं और वापस से कम बैक करें। बिल्कुल, जो बाबर आर्मी है उन्होंने काफ़ी उनकी तारीफें की होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो या तो ओवर कॉन्फिडेंस में है या फिर किसी दबाव में है, ऐसा हो सकता है। तो या ये बताइएगा कि हम बच जाएंगे रुसवाई से, हम बराबर कर पाएंगे? हम जीतना तो मैं बात नहीं करती, बराबर कर लेंगे हम ये टेस्ट? देखिए शहरबानो, खिलाड़ी की जिंदगी में जीत और हार ये 2 ही मौके होते हैं, और जो नाकाम खिलाड़ी होता है ना उसको जिंदगी में एक जीत का मौका जरूर मिलता है। शान मसूद की अगर मैं बात करूं एज ए कैप्टन, वो अपना 5वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 4 टेस्ट मैच वो बतौर कप्तान हार चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल ओपन चांस है शान मसूद के लिए, टीम पाकिस्तान के लिए। जीत का जो सफा है ऊपर उन्होंने जीत लिखनी है, ओपन टेस्ट मैच है और वो या तो जीत सकते हैं या इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कर सकते हैं, ये उनके हाथ में है। लेकिन अगर खराब खेलेंगे जिस तरह पहला टेस्ट मैच खेले तो फिर जीतना मुश्किल होगा। इस वक्त ओपन है ये टेस्ट मैच, पाकिस्तान की सेकंड इनिंग में बढ़तरी 50 प्लस रन की हो चुकी है, अभी पहले सेशन का खेल जारी है। शान मसूद के साथ सायम अयूब जो है वो बड़ा मुस्बत अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, इसी अंदाज की, इसी रन स्कोरिंग की पाकिस्तान टीम को जरूरत है, और पाकिस्तान टीम, मेरा तो दिल यही कहता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करेगी, बांग्लादेश को शिकस्त देगी, क्योंकि इस टेस्ट मैच में अगर कल बारिश ना हुई और 5वें दिन खेल हुआ तो इस टेस्ट मैच में आखिरी दिन बैटिंग करना पिच के ऊपर आसान नहीं होगा। लोग बात कर रहे हैं कि अबरार जो है वो विकेट नहीं ले सके, मेरा ख्याल है कि इस टेस्ट मैच में सेकेंड इनिंग में अबरार का किरदार जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, और फिर जब बांग्लादेश की टीम को पाकिस्तान एक अच्छा स्कोर करके बैटिंग करने के लिए मैदान में उतारेगी तो उनके जहन में ये भी होगा कि हम सीरीज में 1 अप हैं, हम इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करें, तो अगर वो ड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो उनके लिए मसाइल हो सकते हैं। तो पाकिस्तान टीम के लिए आगे कुआं है पीछे खाई है, तो जीतने के लिए पाकिस्तान टीम को ऑल आउट जाना होगा। बिल्कुल, जीतने के लिए कोशिशें भी भरपूर करनी चाहिए। या हुसैनी, बांग्लादेश टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी बताइएगा, उसका भी थोड़ा जिक्र हो जाए। किस चीज की स्ट्रेंथ और वीकनेस की आप बात? बांग्लादेश टीम। अजीम, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। बंगाली जो टीम हमारे साथ खेल रही है या हुसैनी, मैं कह रहा हूँ कि उसकी भी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में थोड़ी बात हो जाए।
देखिए बांग्लादेश की टीम तो आपके सामने है, बांग्लादेश की टीम ने जिस जुर्रत का, जिस बहादुरी का, जिस खेल का मुजाहरा किया पहले टेस्ट मैच में, वो आपके सामने है। मुशफ्फिकुर रहीम जो उनके एक्स टेस्ट कैप्टन है, उन्होंने एक ब्रिलियंट 100 किया। फिर शकीबुल हसन, जिनके ऊपर एक कत्ल का मुकदमा बांग्लादेश में दर्ज हो चुका है, वो अपनी टीम के लिए खेलते हुए दिखाई दिए। फिर इससे ज्यादा क्या जुर्रत और बहादुरी की बात होगी कि 26 पर आपके 6 आउट हो गए, ड्रेसिंग रूम में थरथली मच चुकी थी, कोई एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं था। वहां पर सातवें विकेट पर लुटन दास के साथ मेहदी हसन मिर्जा, जिन्होंने बॉलिंग में 5 खिलाड़ियों को आउट किया था, उन्होंने अपनी टीम को उठाया, उन्होंने अपनी टीम को एक गड्ढे में गिरने से बचाया। तो हमार को जो है वो इस टेस्ट मैच में बांग्लादेश को इजी लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला टास्क तो हमारा यही होगा कि हमारे जो बैट्समैन है वो इस टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में एक अच्छा स्कोर करें, बांग्लादेश के सामने टारगेट रखें, और फिर हमारे बॉलर्स का अंजाम होगा। लेकिन अगर आज हम सर्वाइव कर जाते हैं, रन कर लेते हैं, तो डेफिनेटली बांग्लादेश की बैटिंग के ऊपर दबाव आ जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान का अगर आप मुवाजना करते हैं तो पाकिस्तान की टीम फार बेटर अब भी बांग्लादेश के मुकाबले में है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा याया, अभी हमें एक और चीज सामने आई है कि पीसीबी ने आवाम के लिए, शायकीन के लिए बड़ी अच्छी खबर ये दी है कि पहले 4 मैचेस छोड़कर जो हैं अगले जो मैचेस हैं वो शायकीन के लिए उनका दाखिला फ्री कर दिया गया इकबाल स्टेडियम में। तो ये जो फैसला है इसको आप कैसा देखते हैं? जी शहरबानो, गालिबन आप इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की बात कर रही हैं, जहां पर चैंपियंस वनडे कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने लगा है। तो देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर फैंस का बड़ा किरदार है। पिंडी टेस्ट मैच में भी क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो लोगों के लिए फ्री एंट्री की, तो ये अच्छी चीज है कि भरे ग्राउंड में हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट होगी, लोग देखेंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, खिलाड़ी भी जो है वो आपको एनर्जी के साथ खेलते हुए दिखाई देंगे, जब उनके नारे लगेंगे, जब उनकी हौसला अफजाई होगी, तो एक अच्छा स्टेप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ। एक अच्छा स्टेप है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका यया हुसैनी, आपने वक्त दिया सुनो पाकिस्तान को।